आज होने जा रहा है दो प्यार करने वालों के बीच में दरार। जी हाँ, ये दरार अब आज बहुत ही बड़ी दीवार बन के सामने आने जा रही है। आपको बता दें, आज जारा और कबीर दोनों के बीच में होने जा रहा है तलाक। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें, आज एक साल बाद कबीर आए हैं जारा के घर पर, क्योंकि जारा लेना चाहती है कबीर से तलाक। और लगातार उन दोनों के बीच में बढ़ रही दूरियों को देखते हुए अब ये तलाक की बात तो देखना वजूद ही था। आपको बता दें, ऐसी कि कबीर करते हैं उनके सामने अपने प्यार का इजहार, लेकिन प्यार से कुछ भी नहीं हो पाता। और ये सारी चीज़ों को देखकर अब वो दोनों सच में एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि तलफ काजी ने जारा और कबीर को एक महीने की मोहलत दी है और कहा है कि आपको एक महीने साथ रहना होगा ताकि वो सही फैसला ले सके और अपने रिश्ते को बचा सके। अब आगे देखना ये होगा कि इन दोनों का रिश्ता बचेगा इस एक महीने में, या फिर ये एक महीना इनके लिए सिर्फ मास एक समय बनकर रह जाएगा। चलिए सुनते हैं जारा की मुंहज़ुबानी कि वो क्या कहती है इस एक महीने के बारे में। देखिए वीडियो। सॉरी, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती, ऐसे फट रही है। सो सॉरी, आई एम नॉट वेल। लेकिन खुला इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक साल का अंतर आ गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कबीर को आज़ादी की ज़रूरत है। अगर वो मुझसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी मोहब्बत करता तो मुझे एक बार देखने तो आता, मुझसे मिलने तो आता, लेकिन वो नहीं आया। इसका मतलब प्यार नहीं रहा है। और मैं कबीर से, अगर आप कल थे तो मैं कबीर से मिली और उसे पता नहीं था मैं ही हूँ, तो मुझसे बोलता है कि अपने शौहर को अगर आज़ादी देने से खुश देखना चाहते हैं तो आपको उसे खुला दे देना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद यही मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है और उसको खुला देना ही सही ऑप्शन है। लेकिन यहाँ मोदी साहब का भी जो है वो आपको एक महीने की मोहलत दे रहे हैं, उनके जो कंडीशन है कि आप दोनों को फिर एक साथ रहना होगा, तब जाकर ये देखिए। मेरा मानना है कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म करना एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है। सो पूरा एक फाइनल स्टेप लेने से पहले हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए। यू नो, यू नेवर नो कि थिंग्स वर्कआउट कर जाए। बिकॉज जब दो लोग अलग होते हैं तो दो लोगों के साथ दो फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं, वो भी अलग होती हैं। सो जस्ट टू गेट अ लास्ट चांस कि मे बी थिंग्स विल वर्कआउट, तो इसलिए एक महीने का पीरियड दिया जाता है कि हो सकता है दोनों साथ में रहें तो बॉन्ड बन जाए। वो सारी गलत फहमियाँ जो हुई एक साल में, या जो भी नफ़रत थी थोड़ी बहुत, वैसे थी नहीं ज़रा कबीर के बीच, से जस्ट पुटिंग ऑन अ फिल्टर की नफ़रत थी, वो सब कम हो जाए। तो एक महीने साथ रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है नज़रिए तब भी अलग ही रहेंगे, तो क्या होगा मैं नहीं जानती। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद खुला दे देना ही सही बात है। ऑनेस्टली, जारा ने कहीं ना कहीं ठान लिया कि शायद कबीर को इस रिश्ते से आज़ाद करना सही है, मेरे लिए भी सही है। बहुत बहुत दर्द है अंदर, लेकिन कई बार आपको एक फाइनल स्टेप लेना होता है कि आप भी उस दर्द से थोड़ा आगे जाओ और जो सामने वाला सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी फ्री हो जाए। बिकॉज मुझे लगता है कि शायद कबीर के दिल में मोहब्बत ख़त्म हो गई है और मैं अभी भी उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ, शायद कबीर भी करता है लेकिन वो शो नहीं कर रहा। तो अगर हम साथ रहेंगे भी तो हमेशा नजरिए को लेकर लड़ाई होगी, तो इस टाइम मुझे यही सही लग रहा है कि खुला हो जाए। और फिल्मी अड्डा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।